बिहार में नदियों को जोड़ने के लिए अब बिहार सरकार लगातार चर्चा कर रही है। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं। सर, आप लोग नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ हो रहा है इसमें? इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में। साउथ बिहार में सकरी नाटा को लिंक करने पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अन्य जो काम है उस काम शुरू हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का भी कहना था कि भाई लोग आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। और एक नॉर्थ बिहार में जो बागमती नून वाया गंडक को जोड़ने वाला, उस पर भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। तो अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई इस सब का, तो इस पर इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा। और अगर यह सक्सेसफुल हो गया आपको, तो फिर अन्य रिवर को भी लिंक करने पर काम शुरू करें। विशेषज्ञों की मदद ली जाए क्या? आप ऑलरेडी ले रहे हैं इस पर, विशेषज्ञों का एक टीम बनाया गया है। हम लोगों ने ग्लोबली भी बहुत लोगों से बात की इस पर, वो लोग वेबिनार के थ्रू वो लोग जुड़े, अपना अपना आइडिया दिए। अब इंजीनियर जो हमारे विभाग के हैं वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही दो लोकेशन को, तीन चार लोकेशन आया है साउथ बिहार में, तो यही है सकरी नाटा। नॉर्थ बिहार का तीन चार लोकेशन आया है, उसमें जो ज़्यादा फिजिबली वो होगा कि आसानी से हो सकता है, पहले उसको पहले हम लोग चेकअप करेंगे और वो सक्सेसफुल रहा तो अन्य रिवर को भी। एक और है, केंद्र सरकार से भी पहले से लगातार आप लोग मांग करते रहे हैं नदियों को, जो कुछ पर DPR भी बना था, क्या कुछ उसमें हो रहा है? एक हमारा ऑलरेडी केंद्र के पास है, ये जो कोसी मेची लिंक है उसमें सारा हमारा क्लियरेंस है। और हम लोग केंद्र सरकार से मांग किए हैं, उनके पास उनके जानकारी में है और कि उसको नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए, वो लगभग 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा सीमांचल एरिया के लिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उस पर कुछ निर्णय हो जाएगा, तो वो भी काम शुरू। बिहार में जो आप जोड़ेंगे तो उसमें भी बड़ी राशि की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो वही मैंने कहा, अभी स्टडी चल रहा है कि एक बार जब लिंक करने वाला एक ये बहुत राशि तो मैं अभी नहीं कहूँगा, एक बार फाइनल रिपोर्ट आ जाए कि छोटे छोटे नदियों को ही जोड़ने का पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद फिर अन्य रिवर पर जाएगी। तो संजय झा, इनका साफ कहना है कि बिहार सरकार नदियों को जोड़ने को लेकर अब गंभीर है और उस पर काम कर रही है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ETV भारत, पटना।